जी तो शुरू करते हैं। आज हम सेक्शन 34 से इंटरेस्ट इंटरेस्ट जैसे आम फहम में हम लोग सूद भी कहते हैं या मार्कअप भी कहते हैं। देयर एंड सो फार एज अ डिग्री इज फॉर द पेमेंट ऑफ मनी द कोर्ट में इन द डिग्री ऑर्डर इंटरेस्ट एट सच डेट एज द कोर्ट डीम्स रीजनेबल टू बी पेड ऑन द प्रिंसिपल सम। प्रिंसिपल सम जो असल रकम होगी उसे ऑन द प्रिंसिपल सम एडजस्ट फ्रॉम द डेट ऑफ द सूट टू द डेट ऑफ द डिग्री इन एडिशन टू एनी इंटरेस्ट एडजस्ट ऑन सच प्रिंसिपल सम फॉर एनी पीरियड प्रियर टू द इंस्टीट्यूशन ऑफ द सूट विद फर्दर इंटरेस्ट एट सच डेट एज द कोर्ट डीम्स रीजनेबल ऑन द एग्रीगेट सम सो एडजस्ट from the date of the decree to the date of payment or to such earlier date as the court thinks fit. ऐसे केसेस जहां पे दिला पाने रकम का कोई भी जब हम सूट फाइल करते हैं और वो डिक्री हो जाता है तो उसके बाद कोर्ट जो है वो तीन तरह से अपना जब उसने डिक्री पास करनी है तो डिक्री में वो मेंशन करेगी ऑर्डर लिखेगी। तीन तरह के ऑर्डर्स होंगे। जो प्रिंसिपल सम है जिसके लिए सूट फाइल किया गया था कोर्ट उसके ऊपर इंटरेस्ट भी कायम कर सकती है, उसके ऊपर इंटरेस्ट भी लगा सकती है कि इतने परसेंट के हिसाब से जो रकम जितने अच्छे तक डिफेंडेंट के कब्जे में रही वो उसके ऊपर इंटरेस्ट देगी। आप वहाँ पे जो टाइम पीरियड है इतने अच्छे के लिए इंटरेस्ट लगाएगी। पहली बात तो ये From the date of the suit to the date of the decree, जिस दिन सूट फाइल हुआ और जिस दिन डिक्री पास की गई जो दरमियानी अर्सा होगा वो उस दरमियानी अर्से को देख लेगी। सूट फाइल होने से डिग्री पास होने तक का जितना भी अर्सा था वो तमाम अर्सा चाहे वो एक साल का है, दो साल का है या तीन साल का है वो उतने अर्से के लिए इंटरेस्ट लगाएगी। तो दूसरा नंबर पे ये सूट फाइल होने से पहले जब वो रकम ड्यू हो चुकी थी, वाजिबुल अदा हो चुकी थी, उस दिन से लेके सूट फाइल होने के बाद जब जो डिग्री है डिग्री पास होने तक जितना भी अर्सा बनता है कोर्ट ने उस तमाम अर्से के लिए उस पर इंटरेस्ट लगा देना। या फिर तीसरी बात, तीसरी सूरत इसमें ये होगी कि जब कोर्ट डिग्री पास करेगी उसमें डेट मेंशन कर देगी कि इस डेट पर जो डिग्री हुई है अमाउंट वो पे करनी है डिपेंडेंट को। और जब वो डिपेंडेंट पे नहीं करता तो तब तक जब तक वो पे नहीं कर देगा उस तारीख तक कोर्ट ने इंटरेस्ट लगा देगा। एक्चुअली इस वक्त मैं हूँ, आपको मैं छोड़ गई हूँ कॉल। जी तीन सूरतें हैं यहाँ पे डिक्री में जब कोर्ट कोई मनी सूट डिक्री करती है तो ऐसी सूरत में से वो इंटरेस्ट उसके ऊपर लगा सकते हैं। पहली बात तो जब से वो रकम दी हुई है तब से, दूसरा जब सूट फाइल किया गया था तब से लेके डिक्री तक, और तीसरा जब डिक्री में कोर्ट ने ये ऑर्डर करना है कि रकम पे की जाए तब से लेके जब तक डिफेंडेंट रकम पे नहीं कर देता कोर्ट जो है वो उतने अच्छे के लिए इंटरेस्ट मुकर्रर कर देगी कि इतने परसेंट के हिसाब से इसे असल रकम पर इंटरेस्ट देना पड़ेगा। वेयर सच डिक्री साइलेंट विद रिस्पेक्ट टू द पेमेंट ऑफ फर्दर इंटरेस्ट ऑन सच एग्रीगेट सम एज अ फॉरसेट फ्रॉम द डेट ऑफ द डिग्री टू द डेट ऑफ पेमेंट और अदर अर्लियर डेट द कोर्ट शैल बी डीम टू हैव रिफ्यूज्ड सच इंटरेस्ट एंड अ सेपरेट सूट शैल देयरफॉर शैल नॉट लाई। अगर कोर्ट अपने ऑर्डर में
डिग्री में कोई ऐसी चीज मेंशन नहीं करती जिसमें कोई इंटरेस्ट से मुतल्लिक या उसकी पेमेंट से मुतल्लिक कोई भी किसी भी बात का जिक्र किया गया हो, तो ये समझा जाएगा कि कोर्ट ने इंटरेस्ट लगाने का जो रेमेडी है उसे रिफ्यूज कर दिया, और अब इंटरेस्ट लगाने के लिए अलग से उसको सूट फाइल नहीं करना पड़ेगा प्लेंटिफ को। सेक्शन 34 में जो मेन इसके इंग्रेडिएंट्स हैं, सबसे पहले तो डिग्री पास करते हुए कोर्ट प्रिंसिपल सम पे इंटरेस्ट भी लगा सकती है। इंटरेस्ट लगाने का तरीका क्या, तीन तरीकों से लगा सकती है, जिस दिन से सूट फाइल हुआ डिग्री पास होने तक, या फिर जिस दिन वो रकम ड्यू थी वाजिब अदा थी वहां से लेके सूट फाइल होने तक, या वहां से डिग्री पास होने तक। और अगर डिग्री पास हो गई है, डिग्री में लिखा हुआ है, तो फिर जिस दिन कोर्ट ने ऑर्डर करना है कि डिफेंडेंट प्लेंटिफ को रकम अदा करे, उस तारीख से लेके जिस तारीख तक वो पेमेंट करने में नाकाम रहता है, उसको इंटरेस्ट लगाना पड़ेगा। उसके बाद है, अगर अपनी जजमेंट में कोर्ट ने अगर तो इंटरेस्ट की बाबत कोई फैसला नहीं किया, कोई ऑर्डर नहीं लिखा, तो इसका मतलब ये है कि कोर्ट इस रेमेडी को रिफ्यूज कर चुकी है, और अब इसकी बाबत इंटरेस्ट के रिगार्ड जो प्लेंटिफ है वो दोबारा सूट फाइल करने का अहल नहीं होगा। उसके बाद चलते हैं सेक्शन 34A पे, इंटरेस्ट ऑन पब्लिक ड्यूज। पब्लिक ड्यूज होते हैं ये जो हम लोग बिल पे करते हैं, टैक्स पे करते हैं, जितने यूटिलिटी बिल्स होते हैं जो गवर्नमेंट को, फेडरल गवर्नमेंट को या फिर प्रोविंशियल गवर्नमेंट को हमने पे करने होते हैं, ये सारे हमारे पब्लिक ड्यूज होते हैं। देन द कोर्ट इज ऑफ ओपिनियन दैट अ सूट वाज इंस्टीट्यूटेड विद इंटेंट टू अवॉइड द पेमेंट ऑफ एनी पब्लिक ड्यूज पेएबल बाय द प्लेंटिफ और ऑन हिज बेनिफिट कोर्ट ने। अब अगर कोर्ट को ये लगे कि जो प्लेंटिफ है वो महज किसी टैक्स से बचने की खातर उसने सूट फाइल किया है, या फिर सूट फाइल करने से जो टैक्स या बिल वगैरह, बार दफा होता है वारदा के खिलाफ हम लोग सूट फाइल कर देते हैं बिला वजह, बार दफा टैक्स की कटौती या फिर बिजली के जो बिल होता है उसी में से कटौती के लिए सूट फाइल किया जाता है। तो अगर कोर्ट को लगे कि ये महज टाइम गुजारने के लिए या फिर इन तमाम ड्यूज से बचने के लिए सूट फाइल किया गया है, तो फिर कोर्ट उस प्लेंटिफ को इंटरेस्ट लगा देगी, उसका सूट डिसमिस करेगी, और डिसमिस करने के साथ ही साथ उस पे इंटरेस्ट भी लगाएगी कि जो पब्लिक ड्यूज उसने अदा करने थे, और जब तक वो अदा नहीं किए उतने अर्से के लिए उसे 2% के हिसाब से जो इंटरेस्ट होगा वो 2% के हिसाब से कोर्ट उसके ऊपर मुकर्रर कर देगी। अबाव द प्रिवेलिंग बैंक रेट से मुराद ये है जितना बैंक उस वक्त, जिस तरह हर साल एक मार्कअप जो शरह होती है, जो रेट होता है वो बैंक जो है वो डिक्लेयर करता है, अनाउंस करता है, तो उसी के हिसाब से कोर्ट ने भी 2% के हिसाब से इंटरेस्ट लगा देना है। Where the court is of opinion that the recovery of any public dues from the plaintiff was unjustified, the court may, while disposing of the suit, make an order for the payment of interest on the amount recovered at the rate of 2% above the prevailing bank rate. अब यहाँ पर अगर तो प्लेंटिफ अपना सूट फाइल करने में हक पे है और कोर्ट उससे जो इंटरेस्ट की रकम है वो रिकवर करने में अनजस्टिफाइड है, तो फिर उसकी रिकवरी के लिए जो इंटरेस्ट होगा उसने, मतलब कि प्लेंटिफ ने अगर किसी और से भी रकम रिकवर करनी है, तो फिर उसके ऊपर वो इंटरेस्ट लगा देगा। और अगर वो गलत तौर पे सूट फाइल कर रहा है तो फिर प्लेंटिफ के ऊपर लग जाएगा 2% के हिसाब से। Explanation in this section, bank rate means the bank rate determined and made public under the provisions of the State Bank of Pakistan Act 1957. State Bank of Pakistan, क्योंकि ये State Bank है, रियासत का बैंक है, लिहाजा जितने भी जो इस तरह के जो रेट्स तय करने होते हैं वो स्टेट बैंक ने करने होते हैं अनाउंस, और बाकी बैंक्स में वो उसको फॉलो करेंगे।
Public dues includes the dues of any bank owned by the federal government or of any corporation or undertaking owned or controlled by the federal government or a provincial government or of any local authority. Provincial government, federal government या फिर कोई भी local authority अगर किसी तरह के कोई taxes लगाती है या फिर जिस तरह ये टोल प्लाजा होता है वो भी एक तरह का टैक्स ही पे करना पड़ता है. तो ये सारे जो टैक्सेस हम लोग पे कर रहे होते हैं चाहे वो किसी भी इदारे को करें, फेडरल गवर्नमेंट को करें टैक्स की सूरत में, प्रोविंशियल गवर्नमेंट को करें अपने पानी का बिल, बिजली का बिल, गैस का बिल या फिर टेलीफोन का बिल, या फिर लोकल अथॉरिटी. लोकल अथॉरिटी जो है अगर हम उससे कोई टैक्स पे करते हैं वो सारे के सारे हमारे पब्लिक ड्यूज कहलाते हैं. उसके बाद है सेक्शन 34B इंटरेस्ट एटीसी ऑन ड्यूज ऑफ बैंकिंग कंपनी वेयर एंड इन सो फार एज अ डिक्री इज फॉर द पेमेंट ऑफ मनी ड्यू टू बैंकिंग कंपनी इन रीपेमेंट ऑफ अ लोन एडवांस्ड बाय इट the court shall in the decree provide for interest or return as the case may be on the judgment debt from the date of decree till the payment. अगर कोई बैंकिंग कोर्ट है, बैंक से कोई लोन लिया है और उसकी जो बर्बाद इंस्टॉलमेंट या जो किस्त हमने अदा नहीं की हुई अगर तो उससे रिलेटेड कोई केस है तो ऐसी सूरत में जो रकम ली गई है उसको उसके ऊपर कोर्ट ने अपनी जजमेंट में या फिर अपनी डिग्री में ये चीज़ मेंशन करनी है कि जब तक इसकी पेमेंट नहीं कर दी जाती इस रकम की तब तक इसके ऊपर इतने परसेंट के हिसाब से इंटरेस्ट कायम किया जाए या इंटरेस्ट जो है वो लगा दिया जाए. इन द केस ऑफ इंटरेस्ट बेयरिंग लोन्स फॉर इंटरेस्ट एट द कॉन्ट्रैक्टेड रेट और एट द रेट ऑफ 2% अबव द बैंक रेट व्हिच एवर इज द हायर. अब जो जो कर्जे लिए जाएंगे बैंक से या किसी कंपनी से जो कर्जे लिए जा रहे होते हैं उनके ऊपर या तो कोर्ट ने जो भी रेट बैंक ने मुकर्रर किया होगा या फिर जो कोर्ट अपनी मर्जी से अगर कुछ लगाना चाहे जो हायर रेट होगा उसके मुताबिक इंटरेस्ट लगाया जाएगा. 2% पीछे हमने पढ़ा कोर्ट ने लगाना है 34A में. लेकिन अब यहाँ पे ये देखना पड़ेगा कि जो बैंक अपना अनाउंस करती है हर साल जो भी उन्होंने मार्कअप शरह या मार्कअप रेट अनाउंस करना होता है अगर वो 3% के हिसाब से करती है तो फिर कोर्ट ने भी 3% के हिसाब से ही इंटरेस्ट लगाना है. ये 34B की बात हो रही है क्योंकि ये बैंकिंग लोन से मुतल्लिक है. 34A जो है ये जो अपना प्लेंटिफ है क्योंकि वो प्राइवेट पर्सन है लिहाजा प्राइवेट पर्सन के ऊपर 2% के हिसाब से या फिर बैंक रेट के हिसाब से जो है वो कोर्ट की डिस्क्रिप्शन है वो जितना उसके ऊपर मार्कअप लगाए. लेकिन 34B जो है इसके ऊपर कोर्ट जो है वो मैंडेटरी है कि जो भी कोर्ट के लिए मैंडेटरी है कोर्ट ने वो रेट लगाना है जो हायर होगा. बैंक का हायर रेट है तो उसके मुताबिक शरत जो है वो इंटरेस्ट लगाएगी. अगर खुद से वो अपना कोई रेट अपने हिसाब से कोई शरह लगा देती है तो वो जो भी हायर होगा वो उसके मुताबिक कर देगी. इन द केस ऑफ लोन्स गिवन ऑन द बेसिस ऑफ मार्कअप इन प्राइस लीज हायर परचेज और सर्विस चार्जेस फॉर द कॉन्ट्रैक्टेड रेट ऑफ मार्कअप रेंटल हायर और सर्विस चार्जेस एज द केस मे बी or at the latest rate of the banking company for similar loans whichever is the higher. इसके अलावा जितने भी जो कर्जा जात लिए जा रहे होते हैं उसके ऊपर जो सूद की शरह होती है जो भी कर्जे लिए जाएंगे अगर कोई लीज पे लेने के लिए या फिर अगर रेंट पे जो भी इजाफा किया जाता है रेंट पे इसके अलावा किसी परचेज या जो सर्विसेज चार्जेज हैं किसी भी तरह की सर्विस जहां पर आप किसी को सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं या फिर आपकी जो प्रॉपर्टी लीज पे दी गई है उसमें आपको सालाना इजाफा करना चाह रहे हैं रेंट में या किरायादारी में कोई सालाना इजाफा करना चाह रहे हो तो ऐसी सूरत में माइक ऑफ कीजिएगा.
तो ऐसी सूरत में जो बैंकिंग लोन है, बैंक से लोन लिए जाते हैं या किसी कंपनी से लोन लिए जा रहे हो, तो जिस जो हायर रेट होगा इंटरेस्ट का वो काम किया जाएगा वहां पे। इन द केस ऑफ लोन गिवन ऑन द बेसिस ऑफ पार्टिसिपेशन इन प्रॉफिट एंड लॉस फॉर रिटर्न एट सच रेट नॉट बीइंग लेस देन द एनुअल रेट ऑफ प्रॉफिट ऑफ फॉर द प्रोसीडिंग फॉर द प्रेसिडिंग 6 months पेड बाय द बैंकिंग कंपनी ऑन टर्म डिपॉजिट्स ऑफ 6 months एक्सेप्टेड बाय इट ऑन द बेसिस ऑफ पार्टिसिपेशन इन प्रॉफिट एंड लॉस एज द कोर्ट मे कंसीडर जस्ट एंड रीजनेबल इन द सर्कमस्टांसेस ऑफ द केस कीपिंग इन व्यू द प्रॉफिट शेयरिंग अग्रीमेंट एंटर्ड इनटू बिटवीन द बैंकिंग कंपनी एंड द जजमेंट लेटर व्हेन द लोन वाज कॉन्ट्रैक्टेड। बैंकों से जब लोन लिया जाता है तो उनकी तमाम शराइत को फॉलो करना पड़ता है। उसमें जब हम सिग्नेचर कर रहे होते हैं, अपनी कंसेंट दे रहे होते हैं, तो उनकी तमाम शराइत को तस्दीक कर रहे होते हैं। अब अगर किसी बैंक को पेमेंट नहीं दी जा रही है, बैंक से लोन लिया गया है वापस नहीं दिया, या फिर बार दफा ऐसा होता है कि किसी बैंक से जिस तरह हम लोग इंश्योरेंस कंपनियां जो होती हैं वहां पे पैसे जमा करवाते हैं इतने महीनों के लिए, अपनी रकम फिक्स करवा दी, या फिर मंथली हम लोग इंटरेस्ट जो है उसके ऊपर इंटरेस्ट या प्रॉफिट ले रहे होते हैं। जब हम किसी कंपनी के साथ या बैंक के साथ कोई भी अपनी पेमेंट दे के रकम दे के कोई कारोबार कर रहे होते हैं जिसमें हम अपने प्रॉफिट में या फिर जो लॉस होता है उसमें शेयरिंग कर रहे होते हैं, अगर प्रॉफिट में शेयर हो रहे होते हैं तो फिर साथ साथ उसका जो लॉस होता है उसमें भी हमने शेयरिंग करनी होती है। अब इन तमाम चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए उन तमाम का जो भी हिसाब किताब होगा उसको बैंक के साथ जो हमारा कॉन्ट्रैक्ट हुआ था उन तमाम शराइत को मद्देनजर रखते हुए अगर कोई भी शख्स कंपनी या बैंक को लोन वापस नहीं कर सका है कम से कम 6 माह तक, छ माह तक जो कोर्ट ने जो जिस रेट पे जो बैंक है जिसने 6 मंथ तक जिस रेट पर वो लॉस या फिर वो प्रॉफिट लिया है उसी हिसाब से कोर्ट ने फिर 6 महीनों के लिए उस पर इंटरेस्ट लगाया। 6 माह तक बैंक ने जो पैसे दिए हैं डिपेंडेंट को उनके ऊपर जिस हिसाब से प्रॉफिट या लॉस का मार्जिन रखा गया था उसी हिसाब से फिर कोर्ट देखेगी जब इंस्टीट्यूट किया जाएगा तो उसके कम अज कम 6 माह पहले तक का जो हिसाब किताब होगा वो उसके मुताबिक उसके ऊपर इंटरेस्ट लगा देगी। जी, उसके बाद सेक्शन 35 पे आते हैं। सेक्शन 35 जो है उसमें अच्छा ये है जब हम किसी बैंक से कोई कर्जा वगैरह लेते हैं या किसी जो कंपनीज के साथ हम लोग कोई कारोबार कर रहे होते हैं जिस तरह इंश्योरेंस कंपनीज होती हैं इसमें हम लोग सालाना के हिसाब से या महाना के हिसाब से जो हम लोग पेमेंट करते हैं या उनसे कर्जा लेके हम अपना कोई कारोबार कर रहे होते हैं द पार्टिसिपेशन ऑफ प्रॉफिट और लॉस। बैंक कोई काम करेगा कारोबार करेगा हमारे पैसों से तो उसमें जो भी प्रॉफिट होगा या जो भी लॉस होगा वो जो शराइत हमारे पास पहले से तय होंगी हमने उसके मुताबिक फॉलो करना है। जितना नुकसान बैंक को उठाना पड़ेगा उसमें हम भी तो लाजमी हमने भी तो शेयर डालना है ना। अगर बैंक को या उस कंपनी को प्रॉफिट हो रहा है तो जाहिर है कि उस प्रॉफिट में फिर हम लोग उसमें अपना शेयर डालेंगे। अब यहाँ पे अगर हम बैंक से या कंपनी से लोन लेते हैं कोई कारोबार करने के लिए तो
उस कारोबार के अंदर जो हमें प्रॉफिट हो रहा हो या लॉस हो रहा हो, उससे भी हमने बैंक को उतना प्रॉफिट देना है, उसमें शेयर करना है बैंक को या कंपनी को, या फिर जो लॉस हो रहा है उसमें वो बैंक या कंपनी जो है वो भी शेयर करेगी। अब अगर हम लॉस में चलते जा रहे हैं या पैसा वापस नहीं कर रहे किसी बैंक या कंपनी का, जी वो तो होता है ना, इंश्योरेंस अगर आप करवाते हैं, फिक्स करवा देते हैं, जाहिर है वो भी आप प्रॉफिट के हिसाब से ही करवा रहे होते हैं। आपने सालाना इतने परसेंट, जैसे कंपनी को प्रॉफिट होता जाएगा या बैंक को प्रॉफिट होगा, वो प्रॉफिट आपके पैसों के साथ लगता जाएगा और आपके पैसे जो है वो दुगने होते जाएंगे, और उसी हिसाब से फिर उनकी परसेंटेज जो प्रॉफिट की होगी वो भी बढ़ती जाएगी। और अगर इस दौरान बैंक को या फिर कंपनी को कोई लॉस होता है तो उसी हिसाब से आपके पैसों की जो परसेंटेज है वो कम होती जाएगी। पास जब पैसा होता है, बताया हमें ये जाता है कि जी सालाना या सालाना आपने इतनी किस्त देनी है और 20 साल के बाद आपको 8-9 लाख रुपया आपको मिल जाएगा। लेकिन होता क्या है, 8 साल के बाद जब वो पेमेंट मिलती है वो 8-9 लाख नहीं मिलती, बल्कि बाद कम मिलती। तो जो प्रॉफिट बैंक को या कंपनी को होगा वही हमारी रकम में जमा किया जाता है। एक तो सूरत हाल हो गई ये, दूसरी सूरत हाल ये है कि अगर हम खुद बैंक से लोन लेते हैं कोई कारोबार करने के लिए और उसमें हम बैंक को शेयर कर देते हैं, पार्टिसिपेशन कर देते हैं बैंकिंग के, जितना हमें प्रॉफिट होगा उसमें बैंक या वो कंपनी हिस्सादार होगी, या जितना हमें लॉस होगा उस लॉस में भी वो बैंक या जो कंपनी है वो हिस्सेदार होगी। तो इस हिसाब से जब ये मामला कोर्ट में आएगा नॉन पेमेंट ऑफ लोन की सूरत में, हम वो पेमेंट लोन या जो लोन है उसकी पेमेंट नहीं करते बैंक को या फिर उस कंपनी को, हमारे खिलाफ अगर सूट फाइल होता है, तो जब तक हम पेमेंट नहीं कर देते उस रकम की उस तारीख तक, या फिर हमने बैंक को या बैंक ने हमें जो 6 माह तक प्रॉफिट दिया होगा उस हिसाब से इंटरेस्ट कोर्ट ने लगा देना है कि पिछले 6 महीनों में आप जितने परसेंट के हिसाब से प्रॉफिट लेते रहे हैं आपने उसी परसेंट के हिसाब से कोर्ट जो है वो आपकी उस रकम के ऊपर आपको इंटरेस्ट लगा देगा। पिछले 6 माह तक आपने बैंक को या कंपनी को जो इंटरेस्ट आपने, जो आपने प्रॉफिट की रकम दी उस हिसाब से, फिर जाहिर है या तो आप उनकी रकम वापस करें, अगर आप उनको प्रॉफिट नहीं दे रहे, आप प्रॉफिट भी नहीं दे रहे, आप रकम भी वापस नहीं कर रहे, तो फिर पिछले 6 माह तक जितना प्रॉफिट आपने दिया होगा उसी हिसाब से कोर्ट उस प्रिंसिपल सम पे असल रकम जो है उसके ऊपर इंटरेस्ट लगाए। जी आप क्लियर हो गया? अच्छा, उसके बाद हम चलते हैं सेक्शन 35 पर। सेक्शन 35 जो है इसमें कुछ अमेंडमेंट है, सेक्शन 35 में भी। इन सेक्शन 35 फर्स्ट सेक्शन 1 द फॉलोइंग शैल बी सब्स्टिट्यूटेड, आपके पास भी अमेंडेड ही है ना ये, सब्जेक्ट टू सच कंडीशन एंड लिमिटेशन एज मे बी प्रेस्क्राइब्ड एंड टू द प्रोविजन ऑफ लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स, द कॉस्ट ऑफ एन इंसिडेंट टू ऑल सूट्स। इंसिडेंट टू ऑल सूट्स का मतलब ये है कि जिस दिन से सूट फाइल किया उस दिन से अगर किसी भी तरह की कोई कॉस्ट वगैरह पड़ती है किसी भी पार्टी को, बार दफा होता है विटनेसेस नहीं बुलाए तो कॉस्ट डाल दी जाते हैं, कोर्ट के किसी ऑर्डर पे अमल नहीं किया गया तो कॉस्ट डाल देगी, तो वो सारे जो मामला होंगे वो इंसिडेंट टू ऑल सूट, यानी सूट के दौरान अगर इस तरह की कोई भी कॉस्ट पड़ती है तो वो, एंड अदर प्रोसीडिंग इन द सूट इंक्लूडिंग एग्जीक्यूशन प्रोसीडिंग। इसके अलावा पहली जो बात हो रही थी वो सूट के दौरान थी, जब सूट इंस्टीट्यूट किया वहां से लेकर डिग्री पास होने तक, उसके बाद दूसरे नंबर पे है एग्जीक्यूशन प्रोसीडिंग, यानी जब पास हुई और उसके बाद उसकी एग्जीक्यूशन हो रही है, एग्जीक्यूशन के दौरान अगर कोई पार्टी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट
करती है या फिर कोर्ट का कोई ऑर्डर नहीं मानती या किसी भी ऑर्डर पे अमल नहीं करती तो कोर्ट जो है वो पॉज डाल सकती है। ये दोनों सेक्शन 35 जो है ये सूट के दौरान जिस तरह की भी कॉस्ट होती है ये उससे रिलेटेड है। शैल फॉलो द इवेंट एंड द कोर्ट शैल हैव फुल पावर टू डिटरमिन बाय होम और आउट ऑफ विच प्रॉपर्टी एंड टू व्हाट एक्सटेंट सच कॉस्ट आर टू बी पेड एंड टू गिव ऑल नेसेसरी डायरेक्शंस फॉर द पर्पस ऑफ कोर्ट दैट कोर्ट की डिस्क्रिशनरी पावर है कि वो अकॉर्डिंग टू द सर्कमस्टांसेस एंड फैक्ट्स ऑफ ईच केस और शेल कोर्ट में डिटरमिन कि कॉस्ट कौन सी प्रॉपर्टी से कॉस्ट लेनी है और इसके अलावा किस शख्स ने कॉस्ट देनी है और किस हद तक देनी है, ये तीनों चीज़ें कोर्ट की डिस्क्रिशनरी पार्ट में आ जाएंगी। In fact, that the court has no jurisdiction to try the suit shall be no bar to exercising the powers under subsection 1. अगर किसी गलत फॉरम पे सूट फाइल कर दिया गया है उसकी प्रोसीडिंग चलती रही है 6 माह तक या एक साल तक, बाद में पता चला कि ये तो गलत फॉरम था, कोर्ट के पास जुरिस्डिक्शन ही नहीं थी सूट को एंटरटेन करने की, अब उस पूरे अरसे के दौरान अगर कोर्ट ने किसी भी पार्टी को कॉस्ट डाली है तो वो काबिले वापसी नहीं होगी और ये नहीं कहा जाएगा कि कोर्ट को चूंकि जुरिस्डिक्शन हासिल नहीं थी लिहाजा कोर्ट है वो कॉस्ट नहीं डाल सकती तो वो वापस हो जाएगी, बल्कि वो कोर्ट कंपिटेंट है कॉस्ट डालने की। The court may give interest on cost at any rate not exceeding 6% per annum and such interest shall be added to the cost and shall be recoverable as such. जो cost court ने डालनी है अगर उसकी payment कोई party नहीं करती तो court के पास अख्तियार है कि वो 6% तक उससे ऊपर 6% सालाना के हिसाब से उस कॉस्ट की जो रकम है उस पर इंटरेस्ट लगा सकती है और वो रिकवरेबल होगा, वाजिबल अदा होगा। सेक्शन 35 ये कोर्ट की डिस्क्रिशन है टोटली और ये रेगुलर कॉस्ट से रिलेटेड है। ये सेक्शन जो रेगुलर कॉस्ट होती है रेगुलर कॉस्ट से मुराद ये है कि फ्रॉम द डेट ऑफ इंस्टीट्यूशन ऑफ द सूट टिल द डिसीजन ऑफ दैट केस, जितनी पास होने तक जितनी भी प्रोसीडिंग्स हो रही होती हैं उसमें बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट होते हैं, बहुत से ऐसे इवेंट होते हैं, पार्टी अपीयर नहीं हुई, जैसे एक्स पार्टी डिग्री हो गई है तो कोर्ट जो है वो कॉस्ट डाल के उसको सेटिसफाइड कर सकती है, विटनेस नहीं आ रहा बार बार बुलाने पे, और फिर आगे अगर वो कोई रीजनेबल कार पेश कर देता है तो कोर्ट जो है उसको एक्सेप्ट कर लेती है या बाजू का कॉस्ट डाल देती है। इस तरह से कोई डॉक्यूमेंट नहीं पेश किया जा रहा, कोई भी इस तरह का इवेंट जिस पे कोर्ट ने किसी को पनिश करने के लिए पेनल्टी किसी को डालने के लिए कॉस्ट उसको डाल दी है, ये सारे सेक्शन 35 जो है ये मामला को डील करता है जो रेगुलर कॉस्ट है। इससे रिलेटेड हाई कोर्ट ऑर्डर्स जो हैं, हाई कोर्ट रूल्स एंड ऑर्डर्स में भी एक चैप्टर मौजूद है वॉल्यूम 1 में, चैप्टर 1 पार्ट ई, हाई कोर्ट रूल्स एंड ऑर्डर्स का वॉल्यूम 1 चैप्टर 1 पार्ट ई। सेक्शन 35 टोटली डिस्क्रिशन ऑफ कोर्ट है और ये रेगुलर कॉस्ट को डील करता है। उसके बाद हम चलते हैं सेक्शन 35 के, कंपनसेटरी कॉस्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ फॉल्स और वेक्टिशियस क्लेम्स और डिफेंसेस। अब यहाँ पे ये जो सेक्शन है 35A ये स्पेशल कॉस्ट है, 35 रेगुलर कॉस्ट, 35A जो है ये कंपनसेटरी कॉस्ट या स्पेशल कॉस्ट 35A के तहत होगी। इफ एनी सूट और अदर प्रोसीडिंग इंक्लूडिंग एन एग्जीक्यूशन प्रोसीडिंग नॉट बीइंग एन अपील, अपील पे ये जो सेक्शन है वो एप्लीकेबल नहीं होगा, अपील को निकाल के सिर्फ और सिर्फ इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट से लेके डिग्री पास होने तक और डिग्री पास होने के बाद उसकी एग्जीक्यूशन प्रोसीडिंग दोनों की हद तक है। एनी पार्टी ऑब्जेक्ट्स टू द क्लेम और डिफेंस ऑन द ग्राउंड दैट द क्लेम और डिफेंस ऑफ एनी पार्ट और एनी पार्ट ऑफ इट इज एज अगेंस्ट द ऑब्जेक्टिव फॉल्स और फिक्टिशियस विद नॉलेज ऑफ द पार्टी बाय होम इट वाज बीइंग पुट फॉरवर्ड।
And if thereafter, as against the objector, such claim or defense is disallowed, abandoned, or withdrawn in whole or in part, the court, if the objection has been taken at the earliest opportunity and if it is satisfied of the justice thereof, may, after recording its reason for holding such claim or defense to be false or vexatious, make an order for the payment to the objector by the party to whom, by whom such claim or defense has been put forward or caused by the way of compensation. अब यहाँ पर अगर किसी पार्टी के खिलाफ कोई सूट फाइल किया गया है और कोर्ट में ये साबित हो जाता है कि वो सूट जो फाइल किया गया था वो फॉल्स है, वेक्टेशियस है, महज परेशान करने के लिए झूठा दावा किया गया, या फिर अगर डिफेंडेंट ने उस केस के डिफेंस में अगर उसने अपना फॉल्स और वेक्टेशियस डिफेंस लेके आया है कोर्ट में, अगर उसको लगता है कि आप मेरा जो दावा है मैं इसको प्रूफ करने के काबिल नहीं हूँ, और अगर प्रूफ करने के काबिल नहीं हुआ तो फिर वो वाज़ह तौर पे पता चल जाएगा कि इसने फॉल्स या वेक्टेशियस डिफेंस या फिर क्लेम किया है ऐसी सूरत में भी। और दूसरी सूरत ये है कि अगर उसको लगे कि मैं इस दावे को या इस क्लेम को या डिफेंस को प्रूफ नहीं कर सकता तो फिर वो क्या करेगा, वो अपना या तो क्लेम, अगर प्लेंटिफ है तो अपना क्लेम वापस ले लेगा, अगर वो डिफेंडेंट है तो अपना जो डिफेंस है वो वापस ले लेगा, या फिर कोर्ट की तरफ से अगर वो डिस अलाउ हो जाएगा। पहली बात है क्लेम और डिफेंस, दूसरा यहाँ पे डिस अलाउ, कोर्ट की तरफ से डिस अलाउ हो जाए, चाहे क्लेम उसका डिस अलाउ हो जाए या उसका डिफेंस डिस अलाउ हो जाए। उसके बाद अबंडन, यानी जो प्लेंटिफ है वो खुद उसको तरक कर दे, छोड़ दे अपने क्लेम को, या फिर डिफेंडेंट जो है वो अपने अपने डिफेंस को छोड़ दे या फिर विड्रॉ कर ले हिस्से में, उसका कोई एक हिस्सा विड्रॉ कर ले जिस चीज़ को वो समझता है कि मैं ये वाला पार्ट, ये वाला हिस्सा अपने क्लेम का या डिफेंस का साबित नहीं कर सकूँगा तो ये तो मुझे वापस ले लेना चाहिए, या फिर मैं इसको छोड़ देता हूँ, या कोर्ट उतने हिस्से को डिसअलाउ कर देगी। तो ऐसी सूरत में जो अदालत है, अगर तो अर्लियर स्टेज पे ये ऑब्जेक्शन ले लिया गया हो दूसरी पार्टी की तरफ से, तो फिर कोर्ट क्या करेगी कि वो देखेगी उस क्लेम और डिफेंस को कि वाकई रीजनेबल ग्राउंड्स हैं उसके फाल्स और वेक्टेशियस होने की, तो फिर कोर्ट क्या करेगी कि उसके ऊपर कंपनसेटरी कॉस्ट लगेगी जिस पार्टी ने झूठा या फॉल्स या वेक्टेशियस क्लेम किया होगा। अगर वो डिपेंडेंट है, उसने झूठा डिफेंस रखा है, तो फिर वो उसके ऊपर कॉस्ट लगे। और नो कोर्ट शैल मेक एनी सच ऑर्डर फॉर द पेमेंट ऑफ एन अमाउंट एक्सीडिंग, यहाँ पे 25,000 लिखा हुआ है लेकिन इसकी अमेंडमेंट है और ये आ जाता है कोई 1,00,000 रुपया, जहाँ 25,000 है वहाँ 1,00,000 रुपया है अमेंडमेंट है। अच्छा, अब कोर्ट ने जो अमाउंट उसको कंपनसेटरी कॉस्ट की सूरत में उस पर डालनी है वो 1,00,000 रुपये तक कोर्ट जो है वो अमाउंट उसकी डाल सकती है। नो कोर्ट शैल मेक एनी सच ऑर्डर फॉर द पेमेंट ऑफ एन अमाउंट एक्सीडिंग 1,00,000 रुपीज और एक्सीडिंग द लिमिट्स ऑफ इट्स पेकुनियरी ज्यूरिसडिक्शन व्हिच एवर अमाउंट इज लेस, या तो उसकी जो पेकुनियरी ज्यूरिसडिक्शन है उसके मुताबिक कॉस्ट डालेगी, ट्वेंटी फाइव हंड्रेड था उसका स्मॉल कॉलेज कोर्स का, जो दूसरी रेगुलर कोर्स है वो 25,000 था सब सेक्शन 2 में, लेकिन अब ये अमेंड होके 1,00,000 रुपया हो चुका। मैंने अमेंडमेंट्स आपकी शेयर भी की थी ग्रुप में, जो शेड्यूल में आई है वो भी, और इसके अलावा जो सेक्शन वाइज अमेंडमेंट्स आई थी दोनों मैंने शेयर की हुई थी, आप वहाँ से भी इसको चेक कर लीजिएगा, ये 1,00,000 रुपया हो चुका है 25,000 की बजाय। तो कोर्ट जो है वो 1,00,000 रुपये तक
उस पर कॉस्ट डाल सकती है, या फिर अपनी जो उसकी वेटनरी लिमिट्स हैं उसकी हद तक कॉस्ट डालेगी, वेटनरी लिमिट से बढ़ के डालेगी कॉस्ट। उसके बाद प्रोवाइडेड दैट द हाई कोर्ट मे लिमिट द अमाउंट व्हिच मे व्हिच एनी कोर्ट और क्लास ऑफ कोर्ट इज एम्पावर्ड टू अवॉर्ड एज कॉस्ट अंडर दिस सेक्शन। इसके अलावा हाई कोर्ट खुद भी मुतय्यन कर सकती है कि इस क्लास ऑफ कोर्ट ने कितनी अमाउंट जो है वो कॉस्ट के तौर पे डालनी है। जिस तरह क्रिमिनल केसेस में बार दफ़ा होता है वो रेट तय कर दिए जाते हैं कि कौन से ऑफेंसेस में बेल देनी है, कौन से ऑफेंसेस में बेल नहीं देनी। तो इसी तरह से यहाँ पर भी सेक्शन 35A के तहत भी हाई कोर्ट मुतय्यन कर सकती है कि कितनी रकम कॉस्ट की सूरत में जो अदालत है उसने डाल सकती है। No person against whom an order has been made under this section shall, by reason thereof, be exempted from any criminal liability in respect of any claim or defence made by him. अब यहाँ पे दोनों तरह की liabilities उस बंदे के ऊपर, उस party के ऊपर आ जाएंगी जो false और vexatious claim या defence रखता होगा। यानी civil matter में भी उस पर cost आ जाएगी, और अगर उसके खिलाफ दूसरी पार्टी कानूनी का जो फौजदारी कार्रवाई है, अगर फौजदारी कार्रवाई ही करना चाहती है तो वो भी की जा सकती है। महज कॉस्ट का पे कर देना ये मतलब नहीं है कि आप इसके खिलाफ फौजदारी कार्रवाई नहीं होगी, दोनों हो सकते हैं। The amount of any compensation awarded under this section in respect of a false or vexatious claim or defense shall be taken into account in any subsequent suit for damages or compensation in respect of such claim or defense. उसी क्लेम से रिलेटेड अगर कोई और सूट भी फाइल किया जाता है या किसी और सूट में भी उसी डिफेंस को अगर कोई उठाता है या डिफेंस लेता है, तो वहाँ पर कोर्ट ने जो कंपनसेशन डालनी है, कोर्ट ने ये भी देखना है कि इसी तरह का जो यही केस था इसमें पहले कितनी कॉस्ट डाली गई थी और अब यहाँ दोबारा जो ये मैटर सामने आया है इसमें कितनी कॉस्ट डाली जाएगी, वो पिछली कॉस्ट को कंसीडर करते हुए, मद्देनजर रखते हुए दोबारा जो केस होगा उसमें कॉस्ट डाल सकती है। जी सेक्शन 35A जो है ये भी हमारा हो गया कंपनसेटरी या स्पेशल कॉस्ट से रिलेटेड। इसमें जो अमेंडमेंट आई है वो नोट कर लें, 100,000 है अब इसमें, 25,000 नहीं। उसके बाद चलते हैं हम अपने सेक्शन पे 36 एप्लीकेशन टू ऑर्डर। अब ये हमारा एग्जीक्यूशन वाला पार्ट स्टार्ट हो रहा है। एग्जीक्यूशन अभी सिर्फ आज के लिए हम सेक्शन की हद तक करेंगे, और इससे जो रेलिवेंट ऑर्डर है वो है 21। लेंथी ऑर्डर है, उसमें से जो इम्पोर्टेंट चीज़ें होंगी हम सिर्फ वो करेंगे, पूरे का पूरा ऑर्डर पढ़ने वाला बिल्कुल भी नहीं। दीज प्रोविजन द प्रोविजन ऑफ दिस कोड रिलेटिंग टू द एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्रीज शैल सो फार एज दे आर एप्लीकेबल बी डीम्ड टू अप्लाई टू द एग्जीक्यूशन ऑफ ऑर्डर। जो प्रोविजन किसी डिग्री की एग्जीक्यूशन के लिए इस्तेमाल हो रही है वही प्रोविजन ऑर्डर्स की एग्जीक्यूशन के लिए भी एप्लीकेबल होंगी। जो उसमें ज़रूरी करनी या तब्दीली करनी होगी उसके हिसाब से करके वही प्रोविजन डिग्री की एग्जीक्यूशन के लिए भी इस्तेमाल होंगी और ऑर्डर्स की एग्जीक्यूशन के लिए भी। सेक्शन 37 डेफिनेशन ऑफ कोर्ट विच पास्ड अ डिग्री एक्सप्रेशन court which passed a decree or words to that effect shall in relation to the execution of decree unless there is anything repugnant in the subject or context be deemed to include। अब यहाँ पे जो लफ्ज इस्तेमाल किया गया है the expression वो कहते हैं court which passed a decree। अब ये चले अब हम लोग अनुमान कर लेते हैं, अनुमान के लिए 15 मिनट का वक्फा।